बगर होंगे, ठीक है ना जी। और फिर क़यामत में आएंगे नहीं आएंगे, आसमानों पर है या नहीं है, क्योंकि बात आ गई है। हो सकता है किसी के जहन में कभी कोई सवाल आए, या यहाँ पर कोई रहने वाले है कि कभी कोई सवाल कर दे मेरी तकलीफ पर, तो उसका जवाब मैं देता जाऊँ कि जी ईसा अलैहि सलाम जो हैं वो तो आसमानों पर हैं, वो क़ुर्ब क़यामत में ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, दज्जाल को कत्ल फरमाएंगे, और फिर उन पर अल्लाह की वही भी नाजिल होगी, वो तो नहीं वही नबूत होगी, तो वही नबूत का सिलसिला जारी है, और जनाब नबूत का वही नबूत का सिलसिला जारी है, तो नबी भी आ सकता है। नौज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह। प्यारे साथियों, ये बातें जो लोगों के जहन में डाली जाती हैं, इस सिलसिले में एक बात अर्ज कर दूँ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुत्तकी कौन लोग हैं जो ईमान लेकर आते हैं, किस चीज़ पर? बेमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, उस चीज़ पर ईमान लेकर आते हैं जो ए महबूब आप पर नाजिल हुआ और जो आपसे पहले नाजिल हुआ, जो आप पर नाजिल हुआ और आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर वो ईमान लेकर आते हैं। ये बात नहीं फरमाई कि जो आपके बाद नाजिल होगा। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी व जमी उम्मती व मुबारक वसल्लम आखिरी नबी हैं। हुजूर आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। मेरे आका के बाद नबूवत और रिसाला का सिलसिला मुनक़ति हो गया। अब यह है कि देखिए, गौर कीजिए, अब मेरे आका के बाद कोई वही नबूवत नाजिल नहीं होगी। ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं क़ुर्ब क़यामत में जब जलवागर होंगे तो आप नबी होंगे, नबी होंगे, नबी होंगे, कोई शुबा नहीं है। मगर जब मेरे आका की उम्मतियों में तशरीफ़ लाएंगे तो बहैसियत उम्मती की हो जाएंगे। जब बहैसियत उम्मती की होंगे तो रब्बुल आलमीन की जो वही इन पर नाजिल होगी वो वही ये नबूवत नहीं होगी। वजह यह है कि नबूवत का सिलसिला मुनक़ति हो गया, तो वही ये नबूवत का सिलसिला ही मुनक़ति हो गया। अब वही ये विलायत नाजिल होगी, और ये बात अहम में रख लो कि मेरे आका आखिरी नबी हैं, तो हुजूर के बाद ना कोई नबी है ना वही ये नबूवत है। ये बात मैंने नहीं कही, मेरे शेख मेरे मुर्शिद वज़ाली असर ने अपनी तफ़सीर तिबयान के अंदर इमाम जिले ने इमाम जिले में कभी इस आयत करीमा के तहत ये बात दर्ज फरमाई है। महाराज देखिए और गौर कीजिए। मेरे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए इकट्ठे हुए, क्योंकि वक्त इतना करीब है कि मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना अजान मगरिब की नमाज़ को कितने बजे होता है, नहीं समझ 6 बजे होता है जी, नहीं 1 घंटा कहाँ लेंगे, वरना 1 घंटा तो गुरु भी आफ्ताब में है। आपने अस्त नमाज पढ़ ली है? पढ़नी है तो आधा घंटा तो कम अज कम उसमें चाहिए, 20-25 मिनट में जाहिर है थोड़ी बहुत तमहीद। तो क्योंकि एक मदरसे के आया और ये मौलाना हमारे मौलाना हैं, 12वीं शख मिला, तो जाहिर है इस मदरसे में जब मैं आया हूँ तो जाहिर है फिर मुझे मदरसे के बारे में कोई बात तो करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथियों, ये बात जहन में रखो कि मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी व जमी उम्मत वसल्लम ने फरमाया, उलमा की शान में मेरे आका की हदीस बात पेश करता हूँ, जो कि तकरीर मेरी बड़ी देर से शुरू कराई गई, मैं कोई मौजू नहीं ले सका। सही सच्ची बात, सही बात कह रहा हूँ। मौलाना मुझे फरमाया था 1.25 घंटा है, मैं समझता था कि ये इस तरह जो औकात के कयूद में रहकर जब बोलना हमारे लिए होता है तो हमसे नहीं बोला जाता। आज़ाद सुबहानअल्लाह। मौलाना जुमला हुकूम महफूज है इस जुमले पर, इंशाल्लाह फिर बाद में अर्ज करेंगे। प्यारे साथियों, अगर देखो गौर करो, मेरे आका ने फरमाया उलमा उम्मती का अम्बिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अम्बिया की मानिंद है। कितना हसीन और कितना अजीम जुमला है मेरे आका का। प्यारे साथियों, मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी व जमी उम्मत व रसूलुल्लाह ने जब ये बात फरमाई तो ये बात ज़हन में रखिए कि इनमें कौन से उलमा आते हैं। इनमें इमाम गजाली जैसे लोग हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे लोग हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफई हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं,
और प्यारे भाइयों जो मुताखिरीन में हैं वो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जैसे हैं, गजाली असर हैं, सैयदना पीर मेहर अली शाह मुताखिरीन में ये उलमा हैं, उलमा की बड़ी शान है। सही बात अर्ज करता हूँ, हदीस बाग में आता है कि मेरे आका ने फरमाया कि क़यामत के रोज कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे उम्मत के आखिरी जमाने के उलमा होंगे और वो कुसूरी के टीलों पर उनका मकाम होगा और उन्हें अंबिया और औलिया देखकर रश करेंगे। मिश्कान शरीफ में से बात मौजूद थी। पहले साथियों मेरे आका ने फरमाया उलमा उम्मत ही कामबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा कौन है? बनी इसराइल के अंबिया की मालिक है। मूसा ने सलाम ने मेरे आका की बारियत उसमें अर्ज किया, या रसूलल्लाह किसी से मुलाकात करवाई। मेरे आका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सहबिहि व जमी उम्मत व रसूलुल्लाह ने जब तवज्जो फरमाई तो उस मौके पर सैयदना हजरत इमाम गजाली की रूह मुबारक हाजिर हो गई। मेरे आका ने पेश कर दिया इमाम गजाली की रूह को। जब रूह जब आई वहाँ पर, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा आपका नाम क्या है? उन्हें अर्ज किया मेरा नाम मोहम्मद, मेरे बाप का नाम मोहम्मद, मेरे दादा का नाम मोहम्मद। जब उन्होंने ये बात कही मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सिर्फ आपसे आपका नाम पूछा था। अब अपनी तशरीहात के साथ मैं इमाम गजाली का जवाब पेश करता हूँ। इमाम गजाली ने यानी यूं अर्ज किया कि हुजूर आप तो अल्लाह के कलीम हैं, आपको तो रब्बुल आलमीन से बार बार